सचेत किया था और महात्मा गांधी का जीवन देखेंगे तो मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट वाला जीवन था। वो प्रकृति के प्रेम को जीते थे और उन्होंने कहा था धरती के पास हमारी नीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं लेकिन ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी का ये विजन भारत की महान परंपरा से निकला है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है, ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत के हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा करके हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। आज का भारत सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ टॉप पर पहुंचना ही नहीं है, हमारी तैयारी टॉप पर सस्टेन करने की है। भारत इस बात को भली भांति जानता है। हमारी एनर्जी नीड्स क्या है भारत जानता है। 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास अपने ऑयल और गैस के भंडार नहीं है, हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है और इसलिए हमने सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है। फ्रेंड्स, भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 9 साल पहले पूरा कर दिया। और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है। जो डेवलप्ड नेशन नहीं कर पाए वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है। अब 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए हम एक साथ कई स्तर पर काम कर रहे हैं। हम ग्रीन ट्रांजिशन को पीपल्स मूवमेंट बना रहे हैं। आप सभी को अभी आपने वीडियो भी देखा, हमारी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम को स्टडी करना चाहिए। ये रूफटॉप सोलर की एक यूनिक स्कीम है। इसके तहत हम रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए हर फैमिली को फंड कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन में मदद कर रहे हैं। इस एक योजना से भारत का हर घर एक पावर प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। अब तक 13 मिलियन यानी 1,30,00,000 से ज्यादा फैमिलीज इसमें रजिस्टर कर चुकी हैं।
अभी तक 3.25 लाख घरों में इस योजना के तहत इंस्टॉलेशन का काम पूरा भी हो चुका है। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, ये रिजल्ट अपने आप अद्भुत है। एक छोटा परिवार जिसकी महीने में 250 यूनिट बिजली की खपत है और जो 100 यूनिट बिजली पैदा करके ग्रिड में बेच रहा है, उसे साल में करीब करीब 25,000 रुपए की कुल बचत होगी। यानी लोगों का जो बिजली बिल बचेगा और जो वो कमाएंगे उससे उनको करीब 25,000 रुपए का फायदा होगा। अगर इस पैसे को वो पीपीएफ में डालते हैं, पीपीएफ में डाल देते हैं और घर में मानो बेटी का जन्म हुआ है, 1 साल की बेटी है, तो 20 साल बाद 10-12 लाख रुपए से ज्यादा उनके पास होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह तक ये पैसा बहुत काम आएगा। साथियों, इस स्कीम से 2 और बड़े लाभ है। ये स्कीम इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी माध्यम बन रही है। ग्रीन जॉब बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, हजारों वेंडर्स की जरूरत पड़ेगी, लाखों लोग ये इसको इंस्टॉल करने के लिए लगेंगे। इस योजना से करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत 3 लाख नौजवानों को स्किल मैन पावर के तौर पर तैयार करने का लक्ष्य है। इनमें से 1 लाख नौजवान तो सोलर पीवी टेक्नीशियन भी होंगे। इसके अलावा हर 3 किलोवाट सोलर बिजली पैदा करने 50-60 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रुकेगा। यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने वाला हर परिवार क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने में भी बड़ा योगदान देगा। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें भारत की सोलर क्रांति का चैप्टर, सोलर रिवॉल्यूशन का चैप्टर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, जो विदेश के मेहमान आए हैं, मैं उनको कहूंगा, यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही एक बहुत खास गांव है, मोढ़ेरा। वहां सैकड़ों साल पुराना सन टेंपल है और ये गांव भारत का पहला सोलर विलेज भी है। यानी इस गांव की सारी जरूरतें सोलर पावर से पूरी होती है। आज देश भर में ऐसे अनेक गांवों को सोलर विलेज बनाने का अभियान चल रहा है। साथियों, मैं अभी यहां जो एग्जीबिशन लगा है वो देखने गया था और आप सबसे मेरा आग्रह है, एग्जीबिशन जरूर देखिए। आप सभी अयोध्या के बारे में तो भरपूर जानते हैं। अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मस्थली है और भगवान राम तो सूर्यवंशी थे। और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा, क्योंकि मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश वाला भी बन गया हूं, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया। और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या
जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। और मुझे खुशी है कि अब तक हम अयोध्या के अनेकों सुविधाओं और घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ चुके हैं। अयोध्या में बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर चौराहे, सोलर बोर्ड्स, सोलर वाटर एटीएम और सोलर बिल्डिंग देखी जा सकती है। हमने भारत में ऐसे 17 शहरों की पहचान की है जिसे हम इसी प्रकार सोलर सिटी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स को, हमारे खेतों को भी, हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पावर जनरेशन का माध्यम बना रहे हैं। आज किसानों को इरिगेशन के लिए सोलर पंप और छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दी जा रही है। भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हर सेक्टर में बड़ी स्पीड और बड़े स्केल पर काम कर रहा है। बीते दशक में हमने न्यूक्लियर एनर्जी से पहले की तुलना में 35% ज्यादा बिजली पैदा की है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए हमने करीब 20,000 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। आज भारत में वेस्ट टू एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। क्रिटिकल मिनरल से जुड़े चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम सर्कुलर अप्रोच को प्रमोट कर रहे हैं। रीयूज और रीसाइकल से जुड़ी बेहतर टेक्नोलॉजी तैयार हो इसके लिए स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है। साथियों, प्रो प्लेनेट पीपल का सिद्धांत हमारा कमिटमेंट है। इसलिए भारत ने दुनिया को मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन दिया है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव लेकर दुनिया के सैकड़ों देशों को जोड़ा है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्रीन ट्रांजिशन पर भी हमारा बहुत फोकस रहा है। G20 समिट के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया था। भारत ने अपनी रेलवे को इस दशक के अंत तक नेट जीरो बनाने का भी लक्ष्य रखा है। कुछ लोगों को लगेगा भारत की रेलवे नेट जीरो हो मतलब क्या है, जरा मैं उनको बताता हूं। हमारा रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि डेली ट्रेन के डिब्बे में करीब करीब 1.5 करोड़ लोग होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन का कर और उसको हम नेट जीरो बनाने वाले हैं। हमने ये भी तय किया है कि 2025 तक हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल करेंगे। भारत के लोगों ने गांव-गांव में हजारों अमृत सरोवर भी बनाए हैं जो वाटर कंजर्वेशन के काम आ रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे
भारत में लोग अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम। मैं आपसे भी इस अभियान से जुड़ने का आग्रह करूंगा, दुनिया के हर नागरिक को आग्रह करूंगा। साथियों, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड तेज हो रही है, सरकार भी इस डिमांड को मीट करने के लिए नई पॉलिसीज बना रही है, हर तरह से सपोर्ट दे रही है। इसलिए आपके सामने अपॉर्चुनिटी सिर्फ एनर्जी जनरेशन में ही नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी अद्भुत संभावनाएं हैं। भारत का प्रयास पूरी तरह से मेड इन इंडिया सॉल्यूशन का है। इससे भी आपके लिए यहां अनेक संभावनाएं बन रही हैं। भारत सही मायने में आपके लिए एक्सपेंशन की ओर बेहतर रिटर्न की गारंटी है। और मैं आशा करता हूं कि आप उसमें जुड़ेंगे। इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है, इनोवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह और नहीं हो सकती है। और मैं कभी कभी सोचता हूं, हमारे मीडिया में कभी कभी गोसिप कॉलम होती है, बड़ी चटाकेदार होती है, मजेदार होती है कभी कभी, लेकिन उनका एक बात पर ध्यान नहीं गया और आज के बाद जरूर ध्यान जाएगा। अभी जो यहां भाषण कर रहे थे ना प्रहलाद जोशी, वो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है, लेकिन मेरी पिछली सरकार में वो कोयले के मंत्री थे। तो देखिए, मेरा मंत्री भी कोयले से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चला गया। मैं एक बार फिर आप सभी को भारत की ग्रीन ट्रांजिशन में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, मैं आपका फिर से एक बार, इस धरती में मैं पैदा हुआ, गुजरात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो मेरा भी मन करता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं भी आप सबके स्वागत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, सभी राज्यों की भागीदारी के लिए मैं सभी राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं। जिन मुख्यमंत्री यहां पधारे हैं उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि ये हमारी समिट, इस समिट में होने वाला संवाद, ये हम सबको जोड़ेगा भी और हमें अपनी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए जोड़ेगा। मुझे याद है एक बार राष्ट्रपति ओबामा यहां पर टूर, भारत में उनका प्रवास था, बायलेटरल विजिट के लिए आए थे, तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। तो किसी पत्रकार महोदय ने पूछा, क्योंकि उस समय चल रहा था, लोग भांति भांति के सारे आंकड़े घोषित करते रहते, ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को कि मोदी है। यहां किसी का दबाव वबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा था, कहा मुझ पर दबाव है और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का।
उनके सब जो जन्मे भी नहीं है लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की चिंता मुझे सताती रही है और इसलिए आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम मैं कर रहा हूं। और आज भी ये समिट हमारे बाद दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। उतना बड़ा काम करने के लिए आप यहां आए हैं, महात्मा गांधी के नाम पर बने इस महात्मा मंदिर में आए हैं। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इस महत्वपूर्ण क्षण में हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा